स्टूपिड पागल आदमी, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो। क्या हुआ ये इडियट कैसे कह रही थी फोन पे, और नाक पे इतना गुस्सा क्यों धरा है तुम्हारे? खाला, मिसेस तौफीक का बेटा जुहेब, आप यकीन करेंगी उसने मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है। आई मीन बिलावजह फ्रैंक हो रहा है मुझसे, कहता है कि मुझसे मिलो, मैं उससे क्यों मिलूं? तो यार मिलो ना जाकर उससे, देखो तो कोई कहता क्या है। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ खाला, मुझे नहीं मिलना। इंटरेस्टेड नहीं हो तो इंटरेस्ट पैदा करो। अब अपनी उस सो कॉल्ड सीधी साधी बहन को ही देख लो, बेचारी इश्क में मुब्तला हो चुकी है उसकी, और वो लड़का है तुम्हारे मोहब्बत में पागल है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि आपकी बड़ी बहन को प्यार हो गया है जुहेब से। डोंट टेल मी। और ऊपर से ये खुशफहमी भी है उन्हें कि मौसूफ भी उन्हें चाहते हैं। नो वे खाला, सूफी और इश्क विश्क, क्या हो गया आपको? आई कांट बिलीव दिस, ऐसी बोल रही हैं आप, आई एम श्योर। अब तुम यकीन करो या ना करो, हकीकत तो यही है। अच्छा तुमने सुबह किसी फूलों के गुलदस्ते का जिक्र किया था ना? हाँ, वो बेवकूफ लड़के ने बोला था उसने मेरे लिए फूल भिजवाए, आई थिंक। हाँ यकीनन, और वो फूलों का गुलदस्ता आपकी बड़ी बहन गेट पे रिसीव कर चुकी है। पिछले एक हफ्ते से वो गुलदस्ता अपने कमरे में सजा कर रखा हुआ है उसने, बेचारी। हालांकि जुहेब ने वो फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे लिए भेजा था। वैसे खाला, काफी फिल्मी सिचुएशन नहीं है ये? जस्ट इमेजिन जब सोफिया को ये बात पता चलेगी कि वो सब वो मेरे लिए कर रहा है, बेचारी का तो दिल ही टूट जाएगा। नहीं और नहीं तो क्या, मुझे तो अब उस लम्हे का शिद्दत से इंतजार है जब उसे ये पता चलेगा कि जुहेब उसे नहीं तुम्हें पसंद करता है। चले लेट्स सी, अब देखते हैं कैसा होगा ये तमाशा। मुझे यकीन था कि आज आप जरूर आएंगी। जी वो आप बार बार कॉल्स भी कर रहे थे तो मैंने कहा मैं सुन लूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो गोया आप खास तौर पे मुझसे मिलने नहीं आई? जी नहीं। आपकी ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता। अब आप माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है? चलें बातें तो होती रहेंगी, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आपको वैसे हमेशा मैंने इसी तरह गुस्से में ही देखा है, क्या आप हर किसी से इसी तरह नाराज नाराज सी रहती हैं? ये बात पूछने की वजह? पड़ोसियों का इतना हक तो बनता है कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे के बारे में जान सके। आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी में सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है? आपका ये एटीट्यूड। बहुत कम लोगों को ये एटीट्यूड सूट करता है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनको अपनी झूठी तारीफें सुनने में फख्र महसूस होता हूँ। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। यू आर द मोस्ट प्रीटीस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन। इन सब बातों की वजह? देखो मिस्टर जुहेब, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि तुम जो चाहे बोल दो। आप ऐसी वैसी लड़की हो भी नहीं सकती क्योंकि आप तो बहुत स्पेशल हैं। आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैंने आपको देखते ही डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो आप ही से करूंगा। शादी? यस। मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो बेमकसद लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं।
अगर मैं चाहता तो मॉम को डायरेक्ट आपके घर भिजवा सकता था आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं पहले आपकी राय मालूम करना चाहता था, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहूंगा। Will you marry me? जुहेब, मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। Why? क्या मतलब but why? मेरी मर्जी, तुमने प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये क्या किया तुमने? मैंने वही किया जो मुझे बेहतर लगा। जुहेब जैसे शानदार लड़के को ठुकरा कर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम कितनी बेवकूफ और अहमकाना लड़की हो। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी अच्छी तरबियत में वक्फ कर दी और तुम हो के प्लीज खाला, अब बिना वजह अपना लेक्चर मत झाड़े। और वैसे भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। पूरी जिंदगी तो मैं आपकी डिक्टेशंस पर अमल नहीं कर सकती ना। तुमने जब भी मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया ना, तुम्हें हमेशा मुसीबत का सामना हुआ है। देखो अभी भी वक्त है, अहमक काना हरकतें मत करो और होश के नाखून लो तुम। और तुम्हारी वो मीसनी बहन अपनी शर्मीली अदाओं और अपने झूठे मासूमियत का ढोंग रचाकर जुहेब को अपनी तरफ माइल कर लेगी। तो करती रहे। आई डोंट केयर की बच्ची, इतने अच्छे लड़के को कैसे अपनी बहन के हवाले कर दोगी? बचपन से लेकर आज तक हर अच्छी चीज तुम्हें मिली है। डोंट यू रिमेम्बर, सोफिया के पास कोई भी अच्छी चीज देखकर तुम उसे छीनने की कोशिश करती थी, और तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम ऐसा क्यों करती थी। क्यों करती थी मैं ऐसा? तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करती थी। तुम्हारे अंदर पलती महरूमियां तुम्हें इस बात पर मजबूर करती थी कि तुम अपना हक छीनो। तुम्हें तो शायद याद भी ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारी सौतेली माँ तौसीफ भाई की गैर मौजूदगी में तुम्हें बहुत तंग करती थी। क्या आप सच कह रही हैं? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बेचारी बहन, तुम्हारी माँ इसी सदमे से एक्सीडेंट में, देखो ये माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी हैं। इनका बस चले तो तुम्हारे जायदाद पर भी काबिज हो जाए। देखो मैं तो इसीलिए कह रही हूं ना तुम्हें कि सुहेब जैसे अच्छे लड़के को हाथ से जाने मत देना। बड़ी बहन को प्यार हो गया है जुहेब से, और ऊपर से ये खुशफहमी भी है उन्हें कि मौसूफ भी उन्हें चाहते हैं। तुमने सुबह किसी फूलों के गुलदस्ते का जिक्र किया था ना, और वो फूलों का गुलदस्ता आपकी बड़ी बहन गिफ्ट रिसीव कर चुकी है। लास्ट वीक जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने अपने मुलाजिम के हाथ फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था, वो आपने एक्सेप्ट भी किए थे, वो भी शुक्रिया के साथ।
सोफिया के पास कोई भी अच्छी चीज देखकर तुम उसे छीनने की कोशिश कर रही थी, और तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम ऐसा क्यों करती हो। आई लव यू सो मच जोहेब, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, बस इजहार करते हुए झिझक रहे हो। आज तुम्हारे भिजवाए हुए फूल देखकर तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा हो गया मुझे। इसका मतलब खाला ठीक कह रही थी, सोफिया की ये खुशफहमी अब तो मैं दूर करूंगी। सुहेब और तुमसे मोहब्बत, शक्ल देखिए अपनी आईने में, सुहेब जैसा हैंडसम स्मार्ट लड़का और कहां तुम जैसी बेवकूफ सीधी साधी लड़की। लास्ट वीक जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने अपने मुलाजिम के हाथ फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था, वो आपने एक्सेप्ट भी किए थे, वो भी शुक्रिया के साथ। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता लेकिन क्यों? अजीब लड़की है, इमैच्योर और कम अकल, बगैर सोचे समझे इनकार कर दिया। अरे तुम जैसे लड़कों पे तो लड़कियां शहद की मक्खियों की तरह भिनभिनाती फिरती हैं, और उसने साफ इनकार कर दिया। तुम देखना, पछताएगी ये लड़की एक दिन। मैंने तुमसे कहा था मुझे मिसेस तौसीर से बात करने दो, लेकिन तुम नहीं माने। अरे ये लड़की ना समझ है, कम उम्र है। मेरे लिए जोबिया की मर्जी और उसकी अहमियत जानना ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए मैंने खुद डायरेक्ट जाकर उससे बात की थी। जब शादी मुझे उससे करनी है तो मर्जी भी तो उसी से मालूम करूंगा ना। तुम अपना मूड ठीक करो, मैं उसकी माँ से जाकर खुद बात करूंगी। नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साफ इनकार करने के बाद वहां जाने का कोई तुक नहीं बनता। सुहेब, जोहेब मेरी बात सुनो। जी मामा। क्या बात है, अकेले यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही ताजा हवा में सांस लेने को दिल कर रहा था इसलिए आ गई। क्या बात है, अकेले अकेले मेरी बेटी मुस्कुरा रही है, आज बहुत खुश लग रही है। नहीं मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। लेकिन खैर, तुम अगर मुझे बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है तुम्हें बताने के लिए। क्या? बेटा अगले हफ्ते मंजूर साहब आ रहे हैं जर्मनी से अपने बेटे के साथ, जानती हो ना तुम उन्हें? हाँ, वो बाबा के पुराने दोस्त। एग्जैक्टली। तो इसमें खुशी की क्या बात है, और आप मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पापा से तुम्हारे लिए बात की है। मामा, मामा आप मना कर दें, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, और मुझे नहीं जाना जर्मनी, मैं आपको छोड़ के इतनी दूर नहीं जाऊंगी। एक ना एक दिन तो लड़कियों को अपने घर जाना ही होता है ना बेटा, और तुम्हारी अब उम्र हो रही है बेटा शादी की। मामा जो भी है आप प्लीज मना कर दें, मुझे नहीं जाना जर्मनी। कोई और वजह तो नहीं है इस इनकार की? नहीं मामा, जो जो बात थी मैंने आपको बता दी। सूफी मेरी तरफ देखो, कौन है वो? क्या मतलब? मुझे पता है तुम उसे कुछ छुपा रही हो।
मैं तुम्हारा चेहरा भी पढ़ सकती हूँ। और मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी दोस्त भी। तुम सब कुछ मुझसे शेयर कर सकती हो। मामा, वो जुहेब कौन? मिसेस तौफीक का बेटा? जी मामा, I really like him.